सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 8th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9, दिए वृत्त ओ का केंद्र प्रतीत करो। आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है और उसका केंद्र आपने प्रतीत करना है, तो हम सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ वृत्त है, इसका हमने केंद्र प्रतीत करना है। तो हमें पता नहीं इसका सेंटर कहाँ पे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, तीन पॉइंट हम इसमें ले लेंगे, 1, 2 और 3। ये हमने लिए, इनके नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। हमने इन तीनों बिंदुओं को एक दूसरे के साथ मिला देना है, डॉटेड ऐसे मिला देंगे। ऐसे हमने मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों, अब ये हमारे पास दो रेखाएं आ गई है, इन दोनों रेखाओं के हम समद्विभाजन कर देंगे। इन दोनों रेखाओं को समान दो भागों में बांट देंगे और समद्विभाजन आपको आता ही है। इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि इस पॉइंट से मुझे दूसरी रेखा का भी समद्विभाजन करना है। और ये देखिए, ये समद्विभाजन हो गया है और मैं इन रेखाओं को, इन चापों को मिला देता हूँ, इन रेखाओं का समद्विभाजन हो जाएगा। ये देखिए, और ये जहाँ पे ये आ रही है ये देखिए ये आ गया, जहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में मिल रही है ये। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मेरा जो वृत्त है ये देखो यहीं से लगा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल आपका सही है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो जहाँ भी दोनों चापे कर, आपकी दोनों लाइनें मिल रही कट रही है, ये आपका आ गया सेंटर, तो केंद्र आपका प्रतीत हो चुका है। इसमें आपका अगला है प्रश्न नंबर 10, दिए हुए तीन बिंदु ए बी सी से गुजरता हुआ एक वृत्त लगाओ। अब पहले में हमारे पास एक वृत्त दिया था, केंद्र प्रतीत करना था, इसमें तीन बिंदु दिए हुए हैं, तो इसमें हम तीन बिंदु ले लेते हैं, ये ए बी सी, या जैसे बुक में दिया हुआ है मैं उसी के हिसाब से कर लेता हूं, तो ये ए सी और बी है। तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, अब हम क्या करेंगे, इन रेखाओं का समद्विभाजन कर देंगे। देखिए, हम जहां पे चापे कट रही इन चापों को मिला देते हैं, और इधर से भी हम इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट आ गया ओ। अब हमने क्या करना है, वो प्रकार रखनी है और सी जितनी प्रकार खोल दो, चाहे आप ए जितनी खोल दो चाहे बी जितनी खोल दो। ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, ये देखिए ये तीनों बिंदुओं को से गुजरता हुआ हमारा वृत्त जो है वो बनके तैयार हो गया है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 11, दी हुई चाप ए बी केंद्र प्रयोग करके वृत्त पूरा करो। तो इसमें हमें चाप दी हुई है, हमने चाप लगानी है, हम यहां से चाप लगा लेते हैं,
ये हमारी चाप है। अब ये चाप दी हुई है, इसका नाम दिया हुआ है ए बी। ए बी इस पे एक बिंदु ले लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं सी। हमने ए बी सी ये जो पॉइंट तीन आ रहे हैं इनको हमने आपस में मिला देना है। ये हमने मिला दिया है, इन रेखाओं के हम संधि भाजन कर देंगे। सी पर प्रकार रखेंगे, इसको काट देंगे, चाप आगे बढ़ा देते हैं और इधर भी हम चाप लगा देंगे। और ए पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट है, पर प्रकार करके हम चापों को काट देते हैं इस तरह से। जहां पे ये चापे कट रही है इनको हम आपस में मिला देंगे। डॉटेड कार्य होगा सारा। जहाँ पे दोनों चापे लाइनें आपस में कटरी पॉइंट आ गया आपका, वो आ गया। ऊपर प्रकार करके हम जो है वो इस वृत्त को पूरा कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये प्रश्न नंबर आपका है 11 और आज हमारा ज्योमेट्रिकल का जो सिलेबस है 8th क्लास का, ये हमारा पूरा हो गया है। और अब आपने जो है इसकी दोहराई करनी है, जितने भी मैंने प्रश्न करवाए FA1 का आपका कंप्लीट हो गया है। और ख़ास करके आपने जो वृत्त के परिभाषाएं हैं वो आपने सारी याद करनी है, तभी आप आगे वृत्त के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।